अभी वहाँ पर शांति नहीं है, तो वहाँ पर हालात कितनी है, यहाँ से हम लोग जाने नहीं सकते, आने तो एकदम नहीं सकते। वो जो है अपने अफगानिस्तान में जैसा वो अपना यहाँ भी समझते हैं इंडिया को। ऐसा हो सकता है कि अफगानिस्तान में रहे Kolkata has been home to thousands of Afghan origin people for decades. सब पहचानता है कि खान खान लोग हैं। हम लोग बचपन से खान गपा खान का टीम से हम लोग यहीं पर आए। मान लो हम 67 एज टीम से हम इधर ही हैं इंडिया में। पहले मेरा पिताजी यहाँ था, मेरा पिताजी का पापा यहाँ था। हम लोग वहाँ से आया हुआ है, काबुल के शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर है हम लोग का गाँव। नाम क्या है, ये आपको पता है? उसका नाम है गजनी प्रोविंस। द अफगान्स आर फॉन्डली रेफर्ड टू एज काबुलीवालास, डिराइव्ड फ्रॉम द आइकॉनिक स्टोरी ऑफ द सेम नेम, रिटन बाय इंडियाज फर्स्ट नोबेल लॉरिएट एंड लेजेंडरी बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। द काबुलीवाला वॉज अ टेल ऑफ अ मैन फ्रॉम अफगानिस्तान नेम्ड रहमत खान, हु केम टू कोलकाता एज अ ट्रेडर एंड बिफ्रेंडेड अ 5-year-old इंडियन गर्ल मिनी, as she reminded him of his own daughter back home in Kabul. This tale not only has a special place in Indian literature, but has helped shape a romantic image of the Afghan community here in Kolkata. Their homes are generally called a Khan Koti, and I had the opportunity to visit one of the approximately 80 such Khan Kotis in Kolkata. The setting of these places make you feel like you are in Afghanistan. Even the manner in which the Kabuliwalas have their meals are very traditional. Representing the Kabuliwalas and their interests is the union All India Pakhtun Jarga e Hind, which is led by Yasmin Nigar Khan, the great-granddaughter of Khan Abdul Ghaffar Khan, and assumed its leadership after the demise of her father. All India Pakhtun Jarga e Hind, 1949 mein ye organization bana, Khan Abdul Ghaffar Khan ne iska murad ka buniyad rakha, kyunki wo jab two nation theory ke jo wo khilaf the to वहाँ पर उनको जेल में डाल दिया गया था पाकिस्तान के। तो वो चाहते थे कि पश्तूनिस्तान का जो स्ट्रगल है वो कंटिन्यू रहे, और तो इसका नाम रखा गया ऑल इंडिया पख्तून जरगा हिंद। यहाँ का जो मतलब अफगान कम्युनिटी, अफगान मीन्स मतलब पख्तून कम्युनिटी जो है, पख्तून वहाँ थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में ज़्यादा है पश्तून लोगों का। यहाँ वो जो है अपने अफगानिस्तान के जैसा वो अपना यहाँ भी समझते हैं इंडिया को, और यहाँ वो उनका ज़्यादा मनी लेंडिंग का काम है, बिजनेस करते हैं, कोई कपड़े का, कोई अलग अलग चीज़ों का भी करते हैं बहुत से। I tracked down a few of these garment shops run by the Kabuliwalas in the Bura Bazar district of Kolkata,
but none of them were keen to speak on camera. अभी आप लोग क्या क्या बेचते हैं? ये अखरोट जो हम आपके पास करो के आता है, जैसे नमाज है, पिस्ता है, अतर है, अच्छा चना है, बैठने का जो एक तो कंबल रहता है जैसा हम चिंको वहाँ रखा था रूम में. Most of the Afghans here are a part of the organization and it caters to their interests. जो भी यहाँ पर पश्तून रहते हैं तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर रहते हैं और उनको कोई तकलीफ हुई किसी भी चीज की, मतलब कभी कभी पुलिस या सीआईडी या कुछ ऐसा होता है, क्योंकि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो हर चीज तो लॉ से ही चलता है, कानून से ही चलता है, रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक भी चलना पड़ता है, तो कभी कभी वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो उनको कोई दिक्कत आती है, तो फिर वो हम सब देखते हैं. The Kabuliwalas are always eager to avoid attention, but they can be spotted enjoying meals together at local restaurants or engaging in sports at the Kolkata Maidan every Sunday. हम लोग इधर हर संडे आता, जब हम लोग अफगानिस्तान लोग काबुली लोग आता संडे के दिन में क्रिकेट खेलता, और अब तो देख रहा बहुत सारा लोग है, बट आज कोई तो नहीं है, बट हर संडे आता इतनी ज़्यादा भी आता, कोई क्रिकेट खेलता, कोई वॉलीबॉल खेलता, सब लोग अपना अपना मर्जी है, कोई वैसा सिर्फ बैठता आदमी लोग से बात करता और ज़्यादा लोग फिर खेलता भी. The Kabuliwalas are inherently connected to their homeland and feel a sense of longing to visit Afghanistan one day to see their families, but they have fully embraced India as their motherland. जो अभी वहाँ पर शांति नहीं है, तो वहाँ पर अलग नहीं है, यहाँ से हम लोग जाने नहीं सकते, आने आने तो एकदम नहीं सकते, ठीक है? तो हम लोग को ये करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पर रहने अच्छा है, वहाँ पर तो हम लोग का भी मन भी नहीं लगता है, जो अखबार में भी आप लोग भी पढ़ सकता है, देख सकता है, टीवी में भी देख सकता है, ये सब दुनिया को मालूम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको, ठीक है? तो अभी हम लोगों का मन नहीं लगता है वहाँ जाने के लिए, ठीक है? हम बोला जो फिर आने नहीं सकेगा, यहाँ से जाने नहीं सकेगा, तो ज़रूरत क्या है, इधर रहने दो. यहाँ से हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ का मत से, यहाँ का आवाम से हम बहुत खुश हैं. कोलकाता हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम लोग का अपना देश है, जैसे अपना देश बन गया तो यहाँ पर अपना देश हो गया, हम लोग का अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को हम लोग भी कुछ तकलीफ नहीं दिया और वो लोग भी हमको कुछ तकलीफ नहीं दिया. ये बिजनेस भी जो पिस्ता बादाम अखरोट जय नमाज तस्वीर जो बिक्री कर रहा है, तो वो भी हम लोग जो किसी को देता है, वो जब एक ही साथ पैसा नहीं दे सकता है तब ऐसे ऐसे करके दे सकता है. तो हर संडे इधर क्यों आते हैं?